Pentium G3258। दोस्तों अगर आप इस प्रोसेसर को जानते होंगे तो मैं आपको मानता हूं कि आप बहुत पुराने गेमर्स हैं या कंप्यूटर की फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे कि आज Pentium G4560 जिस तरीके से एक हाइप क्रिएट करे हुए है, एक टाइम था जब Pentium G3258 हाइप क्रिएट करे हुए था। हर गेमर क्या कह सकते हैं, हर बजट सेगमेंट का जो गेमर था वो प्रोसेसर चाहता था। क्यों? जिस तरह के कुछ स्पेशल फीचर्स आपको Pentium G4560 में मिलते हैं उसी तरीके से आपको G3258 में भी मिलते थे। तो दोस्तों आज हम लोग इसी प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या 2017 में ये प्रोसेसर खरीदने लायक है या अगर आपके पास है तो क्या आपको अपग्रेड कर जाना चाहिए। दोस्तों मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। सो लेट्स बिगिन। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारा कोई भी कंटेंट मिस ना कर दें। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं आशीष सिंह जी से जिनका चैनल है टेक सुविधा। ये भी हमारी तरह ही एक टेक पीसी रिव्यूअर, हमारी तरह कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। इनका जो कंटेंट है वो काफी अच्छा है, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट इनके चैनल पर जाकर एक बार इनका कंटेंट चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग Pentium G3258 की। दोस्तों ये Pentium G4560 का एक छोटा भाई है जो कि काफी पहले आया था और इसकी फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो ये 2 कोर और 2 थ्रेड वाला है। तो इसमें इतनी स्पेशल क्या बात है जो गेमर्स इसको खरीदना चाहते थे? दोस्तों ये पहला और आखिरी Pentium सीरीज का एक ऐसा प्रोसेसर था जिसको आप ओवरक्लॉक कर सकते थे। इंटेल ने इसको पहले से ही अनलॉक कर रखा था। बाय द वे अगर आप इसकी बेस फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आपको 3.2 गीगाहर्ट्ज की बेस फ्रीक्वेंसी मिलती थी, लेकिन एक अच्छे जी सीरीज के मदरबोर्ड से पेयर्ड करने के बाद आप इस प्रोसेसर को ओवरक्लॉक कर सकते थे, वो भी 4.5 गीगाहर्ट्ज तक के। 4.5 गीगाहर्ट्ज आप इसको ओवरक्लॉक कर सकते थे। और बात करें गेमिंग परफॉर्मेंस की, 2014 से पहले जितने भी गेम आए थे या आज भी कुछ मॉडर्न टाइटल्स के जो गेम हैं इजिली रन कर लेगा लो सेटिंग पर। जो इसके साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन था ग्राफिक्स कार्ड का वो था 750 Ti। अगर आप कोई सा भी पीसी बिल्ड करना चाहते थे और अगर आपके पास ये सेम प्रोसेसर हो तो मैं आपको 750 Ti ही रिकमेंड करूंगा। दोस्तों आज की इस वीडियो पर हम लोग देखेंगे कि ये प्रोसेसर 2017 में कैसा परफॉर्म करता है लेटेस्ट गेम्स के साथ। दोस्तों तो हम लोग यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड के लिए लिया है 750 Ti और कंपेरिजन के लिए साथ में लिया है G4560 ताकि आपको दोनों के बीच परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने को मिल सके और आप अच्छे से चूज कर सके कि कौन सा प्रोसेसर कहां पर लाई करता है। दोस्तों बेंचमार्क आपके स्क्रीन पर ये रहे। Pentium G3258। दोस्तों अगर आप इस प्रोसेसर को जानते होंगे तो मैं आपको मानता हूं कि आप बहुत पुराने गेमर्स हैं या कंप्यूटर की फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे कि आज Pentium G4560 जिस तरीके से एक हाइप क्रिएट करे हुए है, एक टाइम था जब Pentium G3258 हाइप क्रिएट करे हुए था। हर गेमर क्या कह सकते हैं, हर बजट सेगमेंट का जो गेमर था वो प्रोसेसर चाहता था। क्यों? जिस तरह के कुछ स्पेशल फीचर्स आपको Pentium G4560 में मिलते हैं उसी तरीके से आपको G3258 में भी मिलते थे। तो दोस्तों आज हम लोग इसी प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या 2017 में ये प्रोसेसर खरीदने लायक है या अगर आपके पास है तो क्या आपको अपग्रेड कर जाना चाहिए। दोस्तों मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। So, let's begin. दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं